चलिए जानते हैं दोस्तों इंडियन आइडल के सैटरडे स्पेशल जो कि 9th एपिसोड था और 8 अक्टूबर के इस दिन में कौन से परफॉर्मेंस हुए हैं या कौन सा स्पेशल मनाया गया, किनका परफॉर्मेंस मौसम बदल देने वाला था, किसे मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ किनके परफॉर्मेंस को हमारे जजेस ने दिया है परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ आज जानने को मिलेगा दोस्तों जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है और इसमें आपको इन सारी बातों के बारे में मालूम चलने वाला है। साथ ही साथ आप सभी प्रोमोज को देख पाएंगे जिसमें कि आपको यह समझ में आएगा कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, अभी से इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इंडियन आइडल से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों 8 अक्टूबर सैटरडे स्पेशल जो कि रहा गोल्डन एरा चैलेंज स्पेशल। इसमें आनंद जी सा और उनकी धर्मपत्नी स्पेशल मेहमान बनकर आती हैं और उन्हीं की मौजूदगी में दोस्तों कुल 8 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं और सभी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की जो रहा सगुन पाठक और रूपम भरनारिया का। तो पहले आप इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। गाया भी इन्होंने कमाल का, बहुत मजा आया मुझे। तो जैसा कि आपने प्रोमो देखा लैला मैं लैला, ये जबरदस्त परफॉर्मेंस था दोस्तों। फिल्म कुर्बानी से यह गाना था जिसे कि सगुन पाठक और रूपम भरनारिया ने लाजवाब अंदाज में पेश किया और इनके इस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को देखने के बाद में पूरा माहौल वहां का जो है वह काफ़ी एक्साइटमेंट में भर चुका था। सभी जजेस और मेहमानों ने इनके परफॉर्मेंस की जम के सराहना की है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस की जो रहा विनीत सिंह और सोनाक्षी कर का। तो पहले आप इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। में सनम उठ गए जो कदम आ गए। तुम बिल्कुल बाप हो अपने जोन की सिंगिंग के और बाप बाप ही होता है। तो जैसा कि अभी आपने प्रोमो देखा बेखुदी में सनम, यह इनका दूसरा गाना था दोस्तों। इसके पहले इन्होंने एक और परफॉर्मेंस करके दिखाया फिल्म हाथ की सफाई से वादा कर ले साजना। तो इस दो खूबसूरत से गाने को इन दोनों ने परफॉर्म किया है और इनके परफॉर्मेंस की हमारे सभी जजेस ने और आए हुए आनंद जी सा ने जम के तारीफें की हैं, जम के अप्रिशिएट किया है। वहीं इन दोनों ने भी इस गाने में मानो जान डाल दी हो। बात कर लेते हैं अपने तीसरे परफॉर्मेंस की जो रहा चिराग कोटवाल और काव्या लिमय का। तो पहले लाजवाब परफॉर्मेंस था दोस्तों। आपको बता दूं कि चिराग और काव्या ने दो खूबसूरत से परफॉर्मेंस को करके दिखाया है चंदन सा बदन जो कि फिल्म सरस्वती चंद्र का है। तो वहीं दूसरा गाना फिल्म धर्मात्मा का क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, ये दोनों ही गाने लाजवाब और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे जिसे कि चिराग और काव्या ने लाजवाब तरीके से पेश किया और इनके इस जबरदस्त ड्यूट परफॉर्मेंस को देखने के बाद में इनके परफॉर्मेंस को मौसम बदल देने वाला परफॉर्मेंस बताया गया। हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने इनके परफॉर्मेंस की जम के तारीफें की हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की जो था शिवम सिंह और देवस्मिता रॉय का। तो पहले आप इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। तो जैसा कि आपने अभी देखा फिल्म ईमानदार का यह गाना था लेकिन इसके साथ में जो इन्होंने खूबसूरत सा परफॉर्मेंस किया था दोस्तों काबिले तारीफ था। और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है, इतनी खूबसूरती के साथ में इन दोनों ने इस गाने को प्रेजेंट किया है जिसकी कि हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने जम के तारीफें की हैं और काफ़ी अप्रिशिएशन दिया है आनंद जी शाह ने। साथ ही साथ आपको यह बता दूं कि इस परफॉर्मेंस के बाद में देवोश्मिता का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है दोस्तों। कल उनका हैप्पी बर्थडे था जिसके लिए कि हमारे सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर उनका अप्रिशिएशन किया, उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर एक गोल्ड चैन भी इन्हें उपहार के रूप में दिया था। अब बात कर लेते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की जो पांचवा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऋषि सिंह और विदिप्ता चक्रवर्ती आती हैं दोस्तों।
और इनका पहले प्रोमो आप देखिए दोस्तों। तो जैसा कि आपने प्रोमो देखा नीले नीले अंबर पर, यह लाजवाब परफॉर्मेंस था दोस्तों। इसके साथ ही इन्होंने दूसरे गाने को भी परफॉर्म किया था, फिल्म रफू चक्कर का तुझको मेरे दिल ने पुकारा है। यह इतना लाजवाब और बेहतरीन परफॉर्मेंस था जिसे सुनने के बाद में हमारे सभी जजेस ने और मेहमानों ने ऋषि सिंह की और विदिप्ता की जम के तारीफें की हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की, जो रहा प्रीतम रॉय और संजुति दास का। तो पहले आप इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों। गाने के मतलब को लोगों तक पहुंचाना एक सिंगर का काम यही होता है। बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। तो जैसा कि आपने प्रोमो देखा ओ साथी रे, इस गाने के साथ साथ ही इन्होंने एक और गाने को परफॉर्म किया था दोस्तों, ओ मेरे राजा। ये जॉनी मेरा नाम का है, तो वहीं दूसरा गाना मुकंदर का सिकंदर का था, जिसे कि इन दोनों ने लाजवाब तरीके से प्रेजेंट किया था। और इनके इस परफॉर्मेंस को आनंद जी शाह ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था और जम के इनकी तारीफें की थी। वहीं प्रीतम और संजुति ने भी लाजवाब अंदाज में इस गाने को प्रेजेंट किया है दोस्तों, जिसकी कि सबों ने जम के तारीफें की हैं। सातवां परफॉर्मेंस दिखाने के लिए संचारी सेन गुप्ता और अनुष्का पात्रा आती हैं दोस्तों। वैसे पहले तो इनका प्रोमो रिलीज नहीं किया गया था, तो पहले आप यह इनका प्रोमो देखिए दोस्तों। फिल्म डॉन का यह गाना था, अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो वहीं दूसरा गाना भी इन लोगों ने डॉन से ही प्रेजेंट किया था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। ये दोनों ही गाने लाजवाब और काफ़ी एनर्जी से भरे हुए थे, जिसे कि संचारी और अनुष्का ने लाजवाब तरीके से प्रेजेंट किया दोस्तों, जिसकी कि आनंद जी शाह ने जम के तारीफें की हैं। साथ ही साथ हमारे तीनों जजेस ने भी इनकी जम के तारीफें की हैं दोस्तों। आठवां और आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नवदीप वडाली और विनीत सिंह आते हैं दोस्तों। तो पहले आप इनका ये प्रोमो देखिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा दोस्तों, फिल्म राज से अकेले हैं चले आओ, यह इतना लाजवाब परफॉर्मेंस था जिसे कि नवदीप वडाली और विनीत ने लाजवाब अंदाज में पेश किया है। और इनके इस परफॉर्मेंस की जम के तारीफें की गई हैं हमारे सभी जजेस और मेहमानों ने। और इन सभी आठ परफॉर्मेंस के बाद में दोस्तों सेलेक्ट किया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इन सभी आठ परफॉर्मेंस को देखने के बाद में शिवम सिंह और देवोस्मिता रॉय को बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाता है, जिन्होंने कि लाजवाब तरीके से फिल्म ईमानदार का और इस दिल में क्या रखा है इस परफॉर्मेंस को करके दिखाया था, जिसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया। तो वहीं परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वह चिराग कोटवाल और काव्या लिमय के हाथ गया है दोस्तों, जिन्होंने कि दो खूबसूरत से गाने को प्रेजेंट करके लाजवाब तरीके से मौसम बदल देने वाला परफॉर्मेंस दिया था। तो इस तरीके से सैटरडे स्पेशल के दौरान में कुल आठ परफॉर्मेंस हुए और सिर्फ एक परफॉर्मेंस मौसम बदल देने वाला था, और वह चिराग कोटवाल और काव्या लिमय की जबरदस्त जोड़ी ने करके दिखाया था। और इस तरीके से शिवम सिंह और देवोस्मिता को बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया और चिराग और काव्या ने परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड दोस्तों अपने नाम किया है। तो सैटरडे स्पेशल आनंद जी शाह की मौजूदगी में कुल इतने परफॉर्मेंस हुए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि वोटिंग लाइन भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जम के वोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वह भी सोनी लीव और www.firstcry.com से। तो आप अपने चहेते कंटेस्टेंट को वोटिंग करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इंडियन आइडल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।